जय साई राम। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन सूरी आज आपको गुरुवार का उपाय बताने वाला हूँ। गुरुवार का उपाय आपको एक विशेष आशीष दे सकता है, क्योंकि गुरु के दिन गुरु की शक्तियाँ, परमात्मा की शक्तियाँ धरती की ओर प्रवाहित होती हैं। जब हमारे शरीर से पॉजिटिव सिग्नल निकलते हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और जब हमारे शरीर से नेगेटिव सिग्नल निकलते हैं तो नेगेटिव एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी जो परमात्मा ने छोड़ी है, यदि हम पॉजिटिव लेना चाहते हैं तो हमारे शरीर से पॉजिटिव सिग्नल निकलने चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हमारे शरीर से पॉजिटिव सिग्नल कैसे निकलेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा। जब हम दान पुण्य करते हैं, परमात्मा का नाम स्मरण करते हैं, तो हमारे शरीर से पॉजिटिव सिग्नल निकलते हैं, जो कि परमात्मा की छोड़ी हुई पॉजिटिव वाइब्रेशन को खींच कर हमारे शरीर में ले आते हैं। इस तरह से हम पॉजिटिव सिग्नल ले सकते हैं। आज आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों के आठवें घर में बुध बैठे हैं या राहु बैठे हैं, उनको कभी भी बुध की दशा या राहु की दशा में नया कार्य नहीं करना चाहिए, बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, यदि कोई योग है कुंडली में तो फिर इनकी बुराई अपने आप कम हो जाती है, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब हमने बताना है गुरुवार का उपाय। आज आप केले दान करेंगे, कितने ये आपकी इच्छा पर निर्भर है, चाहे एक कीजिए चाहे दर्जन कीजिए, किसी गरीब को दीजिए, गाय को खिला दीजिए, मंदिर में दे दीजिए, कैसे भी जल प्रवाह कर दीजिए, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कीजिए। जो लोग इन सब में कुछ नहीं कर सकते वो क्या करें, चीनी लें, चीनी को किसी वृक्ष के इर्द गिर्द बिखेर दें, बस उनका उपाय हो गया। अदरवाइज जो कर सकते हैं जैसा मैंने बताया है वैसा करें। मैं ब्रजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे, जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूँ, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए, या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं, जो दबे रहते हैं उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता, जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो, हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओह।